subscribe to his YouTube channel and press the bell icon so that you never miss any update. हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से कंप्यूटर पीडिया में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है वैक्यूम पंप। पिछले वीडियो में हमने बात किया है इजेक्टर के बारे में, तो इजेक्टर का अगर आपने वीडियो नहीं दिया है तो आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं। उसमें मैंने वैक्यूम का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है और मैंने बोला था कि वैक्यूम क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो मैंने बात किया था इजेक्टर की और दूसरा मैंने बात किया था वैक्यूम पंप का। वैक्यूम पंप तो इसके थ्रू जो हमने वैक्यूम क्रिएट कराया है उसको तो हमने देख चुके हैं पिछले वीडियो में। अब हम बात करेंगे वैक्यूम पंप के थ्रू हम कैसे वैक्यूम इंडस्ट्री में क्रिएट करते हैं। इंडस्ट्री में मोस्टली हमने देखा है कि वैक्यूम पंप ज्यादा यूज कराए जाते हैं, लेकिन इकोनॉमी बचाने के लिए, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन के लिए, हम इजेक्टर भी यूज करते हैं। तो आज हम बात करते हैं क्यों आखिर मैक्सिमम अमाउंट में हम वैक्यूम पंप यूज करते हैं इंडस्ट्री में। तो इसमें जो दो कंफ्यूजन वाली चीजें होती है स्टूडेंट्स को कि सर वैक्यूम पंप में हम वाटर क्यों देते हैं, और दूसरी कंडीशन क्या, वैक्यूम पंप का जो इंपेलर होता है वो सेंटर में क्यों नहीं होता बल्कि सेंट्रिक होता थोड़ा सा। वो उसके दो रीजन आज हम पता करेंगे कि क्यों उसको किया जाता है, क्या उसके पर्पज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करेंगे वैक्यूम पंप के बारे में। तो चलिए देखते हैं पहले उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा। इसके फिगर, कुछ लोग के कमेंट आ रहे थे कि सर फिगर पहले मत बनाया करिए जिससे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो मैंने फिगर आपके सामने बना रहा हूँ। थोड़ा सा मार्कर सर्कुलर नहीं हो रहा है, फिर भी मैं सही से बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए। ये उससे थोड़ा बेटर है, ठीक। ये सर्कुलर हमारा, ये केसिंग है, ठीक, केसिंग है, ये हमारा केसिंग होगा। इसमें जो सॉफ्ट होता है वो बिल्कुल सेंटर नहीं होता है बेलो, बल्कि थोड़ा एसेंट्रिक होता है, थोड़ा सा उससे ऊपर होता है, ठीक। ये हमारा हो गया। अब इसमें क्या होता है, इम्पेलर जो लगा होता है इस टाइप से, इम्पेलर ब्लेड्स इस टाइप से, कुछ इस टाइप से लगे हुए हैं, ठीक। इम्पेलर ब्लेड्स ये लगे हुए हमारा, ठीक। अब क्या करेंगे, इसमें हम वाटर फिल करेंगे। वाटर जो फिल करते हैं, ये जो वाटर फिल करते हैं वो लगभग 1/4 पोर्शन ही होता है, 1/4 पार्ट ही हम इसमें वाटर फिल करते हैं, जिसको बोलते हैं सीलिंग वाटर, सीलिंग वाटर। अब क्या करते हैं, एक साइड से हम इसमें जिधर से एयर में सक करना है, मान लीजिए हमें इस वैसा ले कोई, इसमें वैक्यूम क्रिएट करना है, उसमें से एक सक्शन लाइन ले लेते हैं, ठीक। ये सक्शन लाइन हो गया। अब यहां से हम डिस्चार्ज देते हैं, मतलब एयर को निकालते हैं यहां से, तो इतना तो आपको पता चल गया होगा। इसे बोलते हैं, जो वाटर फिल करते हैं उसे सीलिंग वाटर बोलते हैं, इसे तो आप जानते हैं इंपेलर बोलते हैं, और इसको वेन्स बोल सकते हैं। ये पूरा तो इंपेलर हो गया, इसे वेन्स बोलते हैं। ये जो सेक्शन है इसे बोलते हैं इंपेलर सेल, इंपेलर सेल। इसलिए मैंने आपको फिगर आज बना के इसका बताया क्योंकि इसके एक एक पार्ट्स का मतलब है, क्यों ऐसा बनाया गया, क्यों किया गया। देखिए इसमें कितने पोर्शन है, एक तो आपका इंपेलर है, इंपेलर जो क्या है वो बिल्कुल सेंटर पर नहीं है, थोड़ा इसेंट्रिक है, मतलब सेंटर से थोड़ा उठा हुआ है, मीन्स ऊपर बिल्कुल सेंटर नहीं है। दूसरा क्या है, इसमें सीलिंग वाटर दिया गया है। दो ही पर्पज होते हैं इसका मेन समझने का, कि सेंट्रिक क्यों किया गया, इसमें वाटर क्यों दिया गया। अब हम बात करेंगे वैक्यूम आखिर में क्रिएट कैसे करते हैं इस वेसल में। अब देखिए क्या करेंगे, एक दूसरा फिगर समझे या यही से समझ सकते हैं। चलिए दूसरा फिगर देखते हैं, उसमें ज्यादा आपको समझ में आएगा। ये हमारा ये था, ठीक। मैं अभी यहां जल्दी जल्दी बता दूंगा, ठीक। अब क्या हुआ, जब हमने पंप को स्टार्ट किया, इनिशियल कंडीशन में ये इनपुट है आउटपुट है, ठीक, इनपुट या आउटपुट। इनिशियल कंडीशन में हमने क्या किया, जब हमने केसिंग जो है इसमें इंपेलर को मूव कराना स्टार्ट किया, मूव कराना स्टार्ट करेंगे तो ये जो हमारा पानी है यहां पर वो तो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा ना, इस तरीके से, इस तरीके से सर्कुलर पाथ में मूव करने लगेगा, इस तरीके से पूरा सर्कुलर पाथ बन जाएगा, सर्कुलर पूरा पाथ कंप्लीट हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से, जब हमने इसको रोटेट कराना स्टार्ट किया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना इसे स्टार्ट किया, ऐसा रोटेट करना स्टार्ट किया तो ये जो वाटर है ये पूरी सर्कुलर पाथ बना लेगा, पूरा सर्कुलर पाथ। अब आपको क्या दिख रहा है कि जो हमारा इस साइड के इंपेलर्स हैं, इस साइड के इंपेलर्स हैं, ये वाटर में थोड़े थोड़े ही डीप हुए हैं, मतलब थोड़े थोड़े ही इसमें डूबे हुए हैं, बल्कि जो ये हमारे इंपेलर हैं क्योंकि थोड़ा इसेंट्रिक है उठा हुआ है तो ये पूरे वाटर में डीप होते हैं।
ऐसे तरीके से आप देखेंगे एक्चुअल फिगर, तो इसी तरह से पूरे डूबे हुए होते हैं ये। तो इससे क्या होता है, इनिशियल कंडीशन में जो इंपेलर सेल होता है, इंपेलर सेल इधर तो यहां पर ओपन होता है, काफी स्पेस होता है, एरिया होता है, लेकिन यहां पर क्या होता है पूरा फिल होता है, वाटर पूरा फिल होगा तो वहां एयर सक करने की जगह नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं यहां पर स्पेस होने लगता है, और जैसे स्पेस होगा यहां से जो एयर होगी वेसल में एयर होगी उसे ये सक करना स्टार्ट करेगा, और जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसे वो कंप्रेस करता जाएगा, एरिया बढ़ता जाएगा तो कंप्रेस करता जाएगा, और जैसे ही एरिया कम होने लगेगा वहीं पर ये डिस्चार्ज कर देता है। उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा, दोबारा समझाऊंगा तो अच्छे समझ में आएगा। ये तो आपको फिगर समझ में आया होगा कि इम्पेलर लगा है, यहाँ पर 1/4 ने वाटर फिल कर दिया सीलिंग वाटर के। अब क्या किया, जब हमने मोटर से इम्पेलर को मूव कराना स्टार्ट कराया, जब मूव कराना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ के जो पानी है वो उठ के इसके साथ आएंगे ना, क्योंकि ये तो इसमें डिप है ना, डिप है तो ये पानी हमारा उठ के सर्कुलर पाथ में आएगा, वही मैंने यहाँ दिखाया सर्कुलर पाथ में आया। अब दूसरा कारण, आपने बोला सर कि ये पूरा डूबी हुई है, ये इम्पेलर पूरा क्यों नहीं डूबा, तो बात ये है कि ये जो सेंटर से थोड़ा सा उठा हुआ है ना, आपको देखने में लग रहा है इम्पेलर छोटा बड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है, ब्लेड्स छोटे बड़े नहीं है, ये थोड़ा सा उठा हुआ है, इसलिए इसके जो पोर्शन है वो मैक्सिमम अमाउंट वाटर में डूबे हुए हैं, बल्कि जो नीचे वाली ब्लेड्स हैं वो थोड़े अमाउंट में डूबे हैं। तो क्या हुआ, जब पूरे डूबे हुए हैं तो यहाँ पर एरिया हमारा बहुत कम है, एरिया कम है तो वहां पर एयर जा नहीं सकता, यानी जब जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है ब्लेड वैसे वैसे इसके पास एरिया बढ़ता जा रहा है, देख रहे हैं एरिया जो है ना सेल का वो बढ़ता जा रहा है, जैसे ही इसको एरिया मिलेगा तो यहां से एयर को वो सक करना स्टार्ट करेगा, एयर को जब उसने सक कर लिया तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं हम, तो एरिया हमारा बढ़ता जा रहा है, एरिया बढ़ता जा रहा मतलब सेल की साइज बढ़ती जा रही है, जिससे वो गैस को कंप्रेस कर रहा है, गैस को कंप्रेस किया। अब देख रहे हैं एक स्विच, आपने बोला कि सर यहां से क्यों निकाल दिया हमने, इसलिए निकाल दिया क्योंकि इसके बाद आप देखेंगे फिर से इंपेलर हमारे डिप होने लग रहा है, तो यहीं से हमने कंप्रेस को निकाल दिया, गैस को यहां से एयर जो है वो कंप्रेस्ड एयर है, कंप्रेस्ड एयर यहां से हमने निकाल दिया, इस टाइप से हमारे वेसल में वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब हम बात करें, ये तो हमारी फंक्शनिंग हो गई, अब आप बात करो कि सर इंडस्ट्री में इसकी सर्किट किस टाइप से बनी होती है, तो उसके बारे में बता देते हैं। ये चीजें आपको बहुत मुश्किल से देखने को मिलेंगी, नेट पे भी शायद ना मिलेंगी सर्किट, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कैसा होता कैसा सर्किट, चलिए बताते हैं। अगर आपने इंडस्ट्री विजिट किया होगा, अगर आप पहली बार देखेंगे वैक्यूम सेक्शन पंप का, तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, एक पॉट लगा होता है कहां से इन हो रहा नहीं समझ में आता। जैसे देखिए क्या है, ये हमारा मान लेते हैं ये हमारा हो गया वैक्यूम पंप, ठीक वैक्यूम पंप हो गया हमारा, हमें यहां कोई वैसल लगा था, जो वैसल लगा इसमें वैक्यूम क्रिएट करना है, इसका कनेक्शन हमने इसे कनेक्ट करा दिया। अब क्या करेंगे, एक साइड से हम क्या करेंगे, यहां से हम क्या देंगे वाटर, जिसे आप सीलिंग वाटर बोलते हैं, इस घर से वाटर देंगे, ठीक वाटर हमने दिया। अब क्या होगा, जब वाटर देंगे और यहां से वैसा होगा सेम इसी फिनोमेना से वैक्यूम क्रिएट होगा, और जो कंप्रेस्ड एयर निकलेगा और इसके साथ वाटर भी जाएगा, ये जो वाटर है उसको ले जाते हैं सेपरेटेड वेसल में। ये सेपरेटेड वेसल क्या करता है, डेंसिटी डिफरेंस के बेस पे जो एयर होगी गैस होगी वो हल्की होगी, वो टॉप में आ जाएगा गैस, और जो हमारा वाटर होगा वो बॉटम में आ जाएगा डेंसिटी के कारण, ठीक। तो एयर होगा उसे तो हम वेंट कर देते हैं, मीन्स एटमोसफेयर में छोड़ देते हैं, बल्कि जो वाटर होता है वो वेस्ट ना हो, जैसे सिंगल सर्किट में क्या होता है ये वाटर वेस्ट हो जाता है उसे निकाल देते हैं, लेकिन इकोनॉमी हम बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ये पोर्शन जो वाटर है उसे फिर से रिसाइकल कर देते हैं, उसे फिर से वाटर में रिसाइकल कर देते हैं, लेकिन कुछ अमाउंट में जो वाटर लॉस हो जाते हैं उसके लिए हम कंटिन्यूअस मेकअप वाटर देते हैं, मेकअप वाटर। ये पूरी हमारी सर्कल थी कि कैसे इंडस्ट्री में विजिट करते हैं। आप जाएंगे तो दो तीन चीज आपको देखने मिलेंगे, एक वैक्यूम पंप देखेंगे, दूसरा क्या जिस वेसल में आपको वैक्यूम क्रिएट करना है उसकी एक लाइन पंप में आई होगी, ठीक। क्या करेंगे, सीलिंग वाटर के लिए एक लाइन हमारे वैक्यूम पंप में गया होगा, ये दोनों हो गया। जब यहां से कंप्रेस्ड गैस निकलती है और वाटर जाता है तो इसको सेपरेटेड वेसल में ले जाते हैं, यहां क्या होगा डेंसिटी डिफरेंस के बेस पे जो हमारा गैस होगा वो टॉप से वेंट में निकाल देंगे एटमोसफियर में, जो हमारी वाटर होगी वो वेस्ट ना करके हमने फिर से रिसाइकल कर लिया अपने पंप के लिए। और जो कुछ वाटर लॉसेज होते हैं जैसे वेपराइज हो गए वेपर्स के रूप में निकल गए तो लॉसेज होते हैं, उसके लिए हम मेकअप दे रहे हैं ताकि वाटर की कमी ना हो,
तो ये जो पूरी फिनोमिना थी वो वैक्यूम पंप की थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा टॉपिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैंने इंजेक्टर के बारे में बता दिया, वैक्यूम पंप के बारे में बता दिया। अब आप मैं समझ सकता हूँ कि आप वैक्यूम क्रिएट करने के बारे में समझ गए होंगे पूरी तरह से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, ताकि जो इंडस्ट्री में जा रहे हैं या वर्क कर रहे हैं उन्हें समझ में आए कि एक्चुअल में फंडा वहां क्या वर्क कर रहा है। थैंक यू।